स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं सुधीर सतेंद्र सर के साथ आज आप सभी के सामने लेटर का फॉर्मेट लेके आया हूँ। बहुत से बच्चों ने मेरे से लास्ट वीडियो में काफ़ी वीडियो से कह रहे थे कि सर लेटर टू एडिटर कराइए, लेटर टू एडिटर कराइए, तो मैं लेटर टू एडिटर आज लेके आया हूँ। उसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आज जो मैं फॉर्मेट लेके आया हूँ, आज जो फॉर्मेट मैं आपके लिए बना के लाया हूँ, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो सिर्फ लेटर टू एडिटर ही नहीं, लेटर टू SHO, लेटर टू MCD ऑफिसर, MCD कमिश्नर, आप अथॉरिटी का भी और लेटर टू एडिटर भी इसमें फॉलो कर सकते हैं। दोनों के दोनों आपके हो जाएंगे एक बार में, ठीक है। और एक बात मैं कहूँगा, लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि लेटर 10 मार्क्स का है, तो बेटा 12th में लेटर 10 मार्क्स का नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये 6 नंबर का है और मैं अपना टॉपिक आपके सामने रखता हूँ। लेटर में आपको अच्छे से बताया, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो मैंने सबसे पहले फॉर्मेट को एक ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है और उसको मैंने आपको HW भी कर दिया है। मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है SDRSS। ये आपका पहला होमवर्क है। आपको इन सभी के सामने जो आता है, एस से क्या होता है, डी से क्या होता है, आर से क्या होता है, एस से क्या होता है, फिर एस से क्या होता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सीरियल वाइज से ही, और ऐसा ही आपको पेपर में भी लिखना है। और बाकी इसको लिखना कैसे है, इसमें क्या लिखते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको बॉडी ऑफ द लेटर बताऊंगा कि आपको उसके अंदर लिखना क्या है, कैसे व्यूज रखने हैं उसके अंदर, ठीक है बच्चों। आगे है, हम शुरू करते हैं जब भी लेटर, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं थ्रू द कॉलम। बच्चों ये बहुत ही पुरानी लाइन है, बहुत ज़्यादा मतलब पुरानी लाइन है, काफ़ी समय से चली आ रही है लाइन, तो मैंने इसको इसलिए कुछ चेंज नहीं किया क्योंकि आप आराम से इजीली आप याद कर सकते हैं। और इसी के थ्रू मैं इसी में से थोड़ा सा एडिट करके मैं इसी को SHO का लेटर बनाऊंगा, इसलिए मैंने भी इसको चेंज नहीं किया, मैंने भी कुछ सेम वैसे ही रखा है जैसा होता है, हर जगह यूज़ होता है। कह रहा है थ्रू द कॉलम, थ्रू द कॉलम, यहाँ पे मैंने कॉलम के नीचे अंडरलाइन करा है। ये अंडरलाइन करने का मतलब है ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, तो आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पे आपको जो है प्रॉब्लम ऑफ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ये लेटर लिखने के लिए मजबूर हो गए हैं, वो आपको लिखनी है यहाँ पे। यानी कि आप कह सकते हैं कि यू हैव टू राइट हेयर योर सब्जेक्ट, वॉट इज द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, यू हैव टू राइट हेयर मीन्स पूरा पूरा नहीं, लेकिन आपको सिर्फ प्रॉब्लम लिखनी है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। आगे है, आपको बताना है ये प्रॉब्लम आपके एरिया में ही है, तो इन आर एरिया, और उसके बाद आपको लिखना है बिकॉज, बिकॉज के बाद ये जो मैंने 3 लाइन छोड़ी हैं खाली, यहाँ पे आपको अपने व्यूज लिखने हैं कि आपको इस प्रॉब्लम से क्या प्रॉब्लम हो रही है। लाइक जैसे अगर लाइट चली जाती है बार बार तो आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आपको स्कूल के लिए समय पर तैयार होने के लिए दिक्कत हो रही है, ठीक है। और लाइक अगर जैसे पानी की दिक्कत हो रही है तो भी आपको तैयार होने में दिक्कत हो रही है, आपकी डेली रूटीन है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद जो बात मैं अक्सर मतलब अपने बच्चों से बोलता हूँ कि एडिटर को लेटर हम लिखते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें एडिटर को लेटर लिखने की। एडिटर को लेटर हम जब ही लिखते हैं जब कोई हमारी नहीं सुनता। लाइक जैसे SHO, अगर हमारे यहाँ पे चोरी हो जाती है तो हम सबसे पहले पुलिस चौकी पे जाते हैं या अपने प्रधान से बोलते हैं क्या करना है। प्रधान बोलता है अपने आसपास की जो पुलिस जो है PCR वाले उनको बताइए, जब PCR वालों ने नहीं सुना तो हम SHO के पास जाते हैं, SHO नहीं सुनता तो अब हम किसके आ जाएं, हमारे लिंक इतने बड़े तो नहीं है ना। लेकिन हाँ, एक पर्सन ऐसा है जिसके लिंक सभी से हैं, वो है एडिटर, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उनके घर में लगभग हर मतलब हर न्यूज़पेपर आता है और उसको पढ़ते भी हैं टाइम निकाल के इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद। तो यहाँ पर हम जब एडिटर को लेटर इसीलिए लिखते हैं क्योंकि किसी ने हमारी सुनी नहीं, और जब किसी ने नहीं सुनी तो हम उनकी कंप्लेंट भी तो करेंगे ना कि हमने सब जगह कंप्लेंट करी लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, कह रहा है आई हैव कंप्लेन, मैंने बहुत दफ़ा कंप्लेंट करी है, मैनी टाइम्स टू द लोकल कंसर्न अथॉरिटीज़ ऑफ दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट की जो लोकल कंसर्न संबंधित अधिकारी जो थे मैंने उनको काफ़ी दफ़ा कंप्लेंट करी, बट नो रिस्पॉन्स फाउंड फ्रॉम देम, उनसे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ। आगे है,
आगे आप लिखेंगे आई होप, मैंने यहाँ पे एरो भी लगाया है, ये एरो क्यों लगाया मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आई होप यू विल पब्लिश माई व्यूज इन योर रिनॉन्ड पेपर, आप अपने नामी पेपर में, बहुत ज़्यादा फेमस रिनॉन्ड का मीन्स था फेमस, अपने फेमस पेपर में मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे शब्दों को छापेंगे ताकि वो बात आगे पहुँच सके। ठीक है बच्चों, आगे है आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, ये आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। यहाँ पे दूसरा आपका काम है, ये होमवर्क है, आपको ग्रेटफुल की स्पेलिंग चेक करनी है सही है या गलत है, अगर सही है तो नीचे लिखना है सही है और गलत है तो आपको नीचे सही लिखनी है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बेटा इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं ग्रेटफुल की स्पेलिंग। ठीक है आगे चलते हैं, थैंक्स आपने लिखा, फिर आपने लिखा योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ लिख रखी है, वाई और टी आपका कैपिटल लेटर में आएगा, आर ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, योर्स में वाई और ट्रूली में टी, उसके साथ नाम लिख देंगे जो भी लेटर में लिखा हो, जैसे यहाँ तो कोई लेटर नहीं है, मैंने आपको फॉर्मेट समझाया तो मैंने अपना ही नाम लिख दिया सुधीर सिंह सेंगर। ठीक है आगे यहाँ पे मैंने लिखा है व्यूज़, तो मैं बच्चों आपके लिए व्यूज़ भी लाया हूँ, कुछ ऐसे व्यूज़ लाए हो जो आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, बाकी अगर आप अपनी तरफ से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी मैं जितना आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं उतनी हेल्प आपकी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखी है लाइन जैसे ऊपर था, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ डैश इन आवर एरिया, और बिकॉज के बाद आपको यहाँ पे आप ये लाइन लिख सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सवियर सीरियस प्रॉब्लम, आप यहाँ पे सवियर भी लिख सकते हैं और सीरियस भी लिख सकते हैं, बट सवियर इज मच बेटर देन सीरियस, सवियर अच्छा वर्ड है सीरियस से, तो आप अगर सवियर यूज़ करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, तो मर्जी आपकी है आप जो यूज़ करना चाहें, मैं कहूँगा आप सवियर लिखिए। एंड इट इज़ डिस्टर्बिंग अस ऑल द टाइम, और ये जो प्रॉब्लम है हमें हमेशा तंग करती रहती है, हम हमेशा तंग होते हैं इससे दिन रात, ऑल द टाइम होता है दिन रात, डे एंड नाइट। फिर उसके बाद हम यहाँ पे और लिखेंगे द सॉल्यूशंस एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय द अथॉरिटीज और अथॉरिटी, कि सॉल्यूशंस एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय अथॉरिटीज टू मिटिगेट इट्स इफेक्ट, कि इसके प्रभाव को कम करने के लिए, मिटिगेट का मतलब होता है किसी के भी प्रभाव को कम करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए जो भी सॉल्यूशंस और इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं आर बिहाइंड द टाइम्स, आर बिहाइंड द टाइम, मैंने यहाँ पे एक ईडियम रखा है, ईडियम इसलिए रखा है क्योंकि ये आपके एक्सप्रेशन में काउंट होगा, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कंटेंट होता है एक्सप्रेशन होता है, तो एक्सप्रेशन में आपकी जो होती है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है, और आपने कितने अच्छे आपने वर्ड लिखे हैं, और आपने कोई अगर idiom यूज़ आप सिंपल लेवल का, ज़्यादा टफ लेवल का नहीं कर सकते हो क्योंकि लेटर में आपको नॉर्मल शब्दों में ही, नॉर्मल वर्ड्स में ही अपनी बात को कहना होता है सिंपल वर्ड्स में, तो ये सिंपल है बिहाइंड द टाइम्स, तो मैंने यहाँ पर इसको यूज़ किया है ताकि आपको फ़ायदा हो। आगे है अब ये है, मैंने आपको कहा था इसी को मैं SHO में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मैं आपको बताता हूँ इसको आप SHO में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, यहाँ जहाँ मैंने स्लैश लगाया है आई वुड से पहले, आपको SHO के लेटर में थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर को हटा देना है, नहीं लिखना है, बाकी आपको यहाँ लिखना है आई वुड लाइक टू ड्रॉ से आपको शुरू करना है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ डैश इन आवर एरिया बिकॉज, सारी की सारी लाइन आपको सेम रखनी है, बस यहाँ जो मैंने ये एरो रखी है ना एरो, आई होप यू विल पब्लिश माई व्यूज़ इन योर रेनॉन पेपर, तो आपको यहाँ पर इसकी जगह ये वाली लाइन रखनी है जो मैंने यहाँ लिखी है, ये बहुत पुरानी लाइन है, हम यूज़ करते आ रहे हैं काफ़ी समय से, आई होप यू विल टेक सम बोल्ड एक्शंस अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ कोई बोल्ड एक्शन लेंगे, ये आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस तरह से आपका ये पूरा जो लेटर है SHO में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे 5 idiom लिए हैं जो भी, मतलब आप अपने भी क्लास में बोर्ड के एग्जाम में इसको यूज़ कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। सबसे पहला जो idiom है अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक का मीन्स होता है ऑल डे एंड ऑल नाइट, मैंने ऊपर यूज़ भी कर रखा है,
तो ऑल द टाइम की जगह आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मल लिखना ज़्यादा सही है, ज़्यादा सुटेबल वहाँ पे नहीं रहेगा ये। अगला मैंने यूज़ किया है बिहाइंड द टाइम्स, ओल्ड फैशन, ठीक है, आउटडेटेड। अगला है प्ले फॉर टाइम, ये कुछ ऐसा होता है कि जानबूझकर देरी करना किसी भी चीज़ के लिए, जानबूझकर देरी करना किसी भी चीज़ के लिए। अगला इडियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत बार आ चुका है, एज बिजी एज बी। एज बिजी एज बी का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग के नीचे मैंने आपके लिए काम रखा है, होमवर्क है, आपको इसके चार सिनोनिम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। हार्ड वर्किंग के चार सिनोनिम आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखने हैं। आगे है टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का मीन्स होता है बच्चों स्कॉल्ड, मतलब डांटना। और इसी के साथ मैंने यहाँ भी आपको एक होमवर्क दिया है कि इसके भी मुझे चार से छह सिनोनिम चाहिए, चार से छह सिनोनिम कैसे चाहिए। यहाँ मैंने दो तो लिखी दिए हैं, रिब्यूक और रेप्रीमेंट। रिब्यूक और रेप्रीमेंट का मीन्स होता है डांटना, लेकिन मुझे इसके अलावा एक और वर्ड चाहिए आर से, जिसका मीन्स होता है डांटना। आप कोशिश करिए, कर लेंगे आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो उसका जो एड्रेस है, सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, उसमें आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और मेरी लास्ट वीडियो में जो मैंने होमवर्क दिया था, उसमें आर आर राजेश कोई बच्चा है, उसी ने सिर्फ काम किया था। वेल डन बेटा, वेरी गुड, आपने सब कुछ सही किया था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। और रिपोर्ट का कोई खास फॉर्मेट नहीं होता है, उसमें आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना होता है। बच्चे बार बार मेरे से बोल रहे हैं सर रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाइए बनाइए। रिपोर्ट का बेटा एज सच कोई फॉर्मेट नहीं होता है, आपको पास्ट टेंस की प्रैक्टिस करनी है, और उसमें भी स्पेशली आपको पास्ट इंडेफिनेट की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। ओके।